तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल गाइस। अभी मैं हूँ हरिद्वार में अपने होटल में और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है। पीछे हिल्स दिख रही हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत अल्टीमेट सीनरी आ रही है। और ये है हमारा होटल, मैं होटल को नीचे से दिखाऊंगा, बहुत अल्टीमेट दिखेगा। और मैं अपनी ये बालकनी में हूँ, तो इस तरीके से कुछ बालकनियाँ दिख रही हैं हमारे होटल की, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। एक पीछे भी है, तो इस तरीके से बालकनी है, मैं इस बालकनी में खड़ा हुआ हूँ। और आवाज़ आ रही है आपको, एसी की, एसी चल रही है, हीट भी बहुत निकल रही है और मौसम में उमस बहुत है। तो ये यहाँ का खूबसूरत अल्टीमेट अपना हरिद्वार है। तो ये है हमारा रूम, इधर हम सोए थे रात को। और ये है हमारे भंडारी सर, हम इसके साथ रात को बहुत मज़े किए थे, पूरा रात को 3 बजे सोए ना भंडारी सर हम। बिल्कुल तो आप हमारे फैंस को क्या कहना चाहेंगे भंडारी सर, हाय हेलो कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल हाय, और ये चैनल सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये हमारे भंडारी सर है, बहुत प्यारे हैं, इनसे बहुत मोहब्बत हो गई। हम लोग रात को फुल मज़ा किया, खाए पिए इंजॉय किया पूरा। और ये हमारा बेड था, हम रात को इधर सोए थे, चाय हम लोगों ने पी ली। और अभी जो है यहाँ से ऑफिस जाने का टाइम है, काम बहुत ज़्यादा है, वो करना है, सारा निपटाना है। उसमें हमारे भंडारी सर एकदम स्मार्ट और फर्स्ट क्लास काम करने वाले हैं। तो यहाँ से अब निकलने का टाइम है, हम लोग थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद काम कदर है हमारा कुछ होटल ये। तो मैं था बिल्कुल ऊपर वाली में, वो वहाँ पे। तो ये हैं हरिद्वार की गलियाँ, इतना खूबसूरत अल्टीमेट बना हुआ है यार, ये बहुत खूबसूरत है। और टांगा जा रहा है सिम, उसकी रेता की टक्करी करते हुए टांगे वाला भाई। तो इसे कहते हैं संतों की नगरी हरिद्वार। और ये है अपना हरिद्वार, ये है इधर गंगा जी चौक, और चौक से जाना है हमको लेफ्ट, और ये आ गया हमारा ऑफिस। गुड मॉर्निंग, की हाल चाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टुडे माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, पिछले वाले ब्लॉग क्यों नहीं आए, कंप्लीट क्यों नहीं हो पाए। हो रहा है 6:02 और आज दिन है, जस्ट मेरे पीछे बारिश हो रही है और मैं पूरा भीगा हुआ हूँ। और इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सूखा है, बस काले काले बादल लगे हुए हैं। बहुत यार, अपनी बाइक की चैन टूट गई और ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब ये कैसे जुड़ेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। ये तो यार मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ, ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कहीं तक कोई दुकान है या हाईवे पे। हाँ, लोगों ने मेरी बहुत मदद की और यहाँ तक अपने घर ले जाने को भी तैयार हो गए, बोलो चले मैं आपको अपने घर में बिठा देता हूँ, चाय पिलवा देता हूँ। ये दुकान है, अभी खुली नहीं है। भैया को कॉल किया था, भैया बोल रहे हैं कि मैं को अभी 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन अभी इन लोगों ने मदद कर दी। उन लोगों ने कॉल किया क्योंकि लोकल के ही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट में आ जा रहा हूँ। यार ये मेरे साथ ना पहली घटना हुई है कि बाइक की चैन टूट गई, और ये जो है ना बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम है चैन सही करवाने का। चैन सही कर, हाँ थैंक यू यार, आप आ गए यार, चैन टूट गई यार, मैं चैन देता हूँ आपको। हैं, पड़ जाएगी ना, हाँ यार भाई यहाँ से निकलना है कहीं, हम सुबह सुबह तक भैया मार्केट नहीं खुलती। हाँ यार वो लोकल का एरिया है, दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, हम तो भगवान अच्छी बात है हम थोड़ी देर आ लेगी। लेकिन आप बहुत सुबह सुबह आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार आपको। खराब हो की है क्या फूड यार, लोग खराब हो जाए। ये साला एजेंसी में मैंने सही करवाई थी, लेकिन कट कट की आवाज़ कर रही थी। अच्छा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर कोई दिक्कत है तो लॉक ऑक चेंज कर दे भाई, बोला नहीं ठीक है। उसने चैन टाइट कर दी, बस काम ख़त्म कर दिया उसने अपना। लॉक खराब है इसका, और तो काम बढ़ेगा है, तो काम बढ़ेगा। हाँ यार खाली खाली, अभी तो मैंने कराई है सर्विस इसकी। तो गाइस फाइनली अपनी चैन रिपेयर हो गई, लेकिन टेम्परेरी चैन रिपेयर हुई क्योंकि भाई के पास पूरी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन मैंने बहुत शुक्रिया बोला क्योंकि सुबह का टाइम है, बारिश भी होने वाली है, मौसम बहुत ख़राब है,
भाई बेचारा बिना खाए पिए ऐसे ही उठ के चला आया और बहुत ही कम पैसे में काम। कोई दिक्कत नहीं होगी, भाई ने बोल दिया कि मैं गारंटी ले रहा हूँ आप जहाँ भी जाओगे ना आप टूटेगी नहीं, लेकिन गाड़ी की गरारी भी ना ख़राब हो गई है, जो आगे इंजन वाली गरारी हो रही है वो भी टूट गया, उसके दो तीन दांत जो होते हैं ना वो टूट गए हैं। मैं बहुत डिसपॉइंटेड हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस से, क्योंकि जो सर्विस की जाती है बहुत ही बुरी तरीके से और बेकार सर्विस की जाती है। पूरा सर्विस चार्ज लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के साथ गाड़ी में मतलब नुकसान हो रहा। मैंने अंदर देखा, इतना कचरा भरा हुआ है उसके अंदर, पता नहीं सर्विस वाले क्या सर्विस करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं टोल प्लाजा पे, यह है टोल प्लाजा और अभी हमारा सफ़र बहुत है, लेकिन अभी तक तो अपनी धन्नो सही चल रही है। आज थोड़ा धन्नो नाराज़ थी, अब पता नहीं क्यों आज धन्नो ने अपना साथ छोड़ दिया था। तो गाइज देख रहे हो मौसम तो एकदम अल्टीमेट है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, पीछे बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, बादल लगे हुए हैं एकदम काले काले और ऊपर से चारों तरफ हरियाली, उमस भी नहीं है, मौसम ठंडा है, यहाँ तक मेरे सारे कपड़े भीगे हुए हैं, जूते भीगे हुए हैं, ठंड जैसी लग रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि ये भगवान क्या करूँ, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी तक तो खैर चैन भी सही चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लगभग गाड़ी जो है 20 किलोमीटर आराम से चल गई होगी। दिल्ली है यहाँ से 118 किलोमीटर और दिल्ली से अपना सफ़र थोड़ा और अलग साइड से है, दिल्ली नहीं जाना है, तो अभी जो है सफ़र अच्छा चल रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, धन्नो भी अपना साथ दे रही है। इधर देख सकते हो आप एकदम हरियाली, हरे पेड़ लगा रखे हैं गुलहड़ के और उसमें फूल भी खिले हैं येलो कलर के, तो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से रोड की हाईवे की व्यवस्था है और फोर लाइन है, टू लाइन इधर है, टू लाइन उधर है, मस्त रोड है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, इसीलिए मैं सुबह सुबह निकला क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक मिलता है कम और अपना काम भी अच्छे से हो जाता है। तो गाइज आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सबवे रेस्टोरेंट, KFC, फन एंड फूड, कार्निवाल, वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत फन एंड फूड कार्निवाल, देख रहे हो कितना खूबसूरत है, मज़ा आ गया देख के अल्टीमेट। लेकिन असल में दोस्तों मेरे को भी नींद जैसी आ रही है ना, तो मन कर रहा है कहीं रुक के चाय पी जाए, क्या कहते हो, चाय पीना पसंद करोगे ना, तो रुकते हैं कहीं अच्छा ढाबा देखते हैं। और ढाबे की चाय जो पीने में मज़ा है ना, टपरी की चाय, वो यार बड़े होटल की चाय पीने में कहाँ है। इस खूबसूरती से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, वाह क्या बात है, ये जो ग्रीनरी है ना, इससे नज़र नहीं हट रही है भाई। एक तो ग्रीन पेड़ सारे के सारे और कंटिन्यू चल रहे हैं, और ऊपर से इनके ऊपर जो सफ़ेद और पीले और ब्लू कलर के जो फूल है ना, वो देख के वाह वाह क्या बात है, मन को मतलब सुकून मिलता है, शांति आ रही है। अब एक बदतमीज इंसान पीछे से हॉर्न दे रहा है, वो हमारी खुपड़िया से गाड़ी उड़ा के लैंड करेगा और ट्रक के आगे, बदतमीज इंसान, बेटा कायदे में रहो, गाड़ी रूल के मुताबिक चलाओ, नहीं तो हम तुम्हारी छाती में टांग रख के ना प्राण खींच लेंगे, समझे, प्राण जानते हो ना, बेटा कायदे में रहो, कायदे में चलाओ। तो गाइस मुजफ्फरनगर छोड़कर आपका मेरठ सिटी में स्वागत है, बहुत खूबसूरत है मेरठ और आप देख सकते हैं ये यहाँ के कुछ होटल, मेरे को तो पता नहीं है, दिल्ली रह गई है, यहाँ से 65 और ये है UB ग्लब, बहुत खूबसूरत बना हुआ बिल्डिंग। और वैसे अब टाइम है धन्नो को रेस्ट देने का और पेट्रोल डलाने का, तो चलो धन्नो का ख्याल किया जाए कुछ और डला दें फिर।
क्या कहते हो। तो गाइज अपनी टंकी हो गई फुल, लड़की कर गई चुल। ओ यहाँ पे एक चाय, एक चाय, फाइनली गाइज अपना नाश्ता हो गया है, अब टाइम है यहाँ से निकलने का। ये अपनी धनु अभी तो ठीक चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइज सामने बोर्ड लगा है, दिल्ली रह गई है 55 किलोमीटर, और ये है हाईवे मोदी नगर। यहाँ से लगभग होगा 40-50 किलोमीटर। अगर मोदी नगर जाना चाहते हैं तो मोदी नगर के लिए आपको सीधा रूट जाना पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली के लिए जाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो अच्छे से बताया भी गया है कि कहाँ कैसे किधर जाना है। तो हमें जाना है दिल्ली, तो हम दिल्ली हापुड़ वाले रोड पर आएंगे, ठीक है। और वो जो रोड गया है वो सीधा गया है अपना मोदी नगर को। तो ये कायदा देखो गाड़ी चलाने का, वाह क्या बात है। तो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत रोड है, और पुल भी बहुत अच्छा है, और गाड़ी को लीन करते हुए एकदम से। और हम आ गए हैं दिल्ली वाले रोड पे। ये है दिल्ली मेरठ हाईवे रोड, और ये है पहला शुल्क प्लाजा यानी कि टोल प्लाजा, क्या बात है। अब देखते हैं शायद यहाँ पर बाइक वालों का जाता है टोल टैक्स या नहीं जाता है, क्योंकि बाइक वालों के लिए स्पेशल जगह नहीं है, नहीं जाता है बाइक वालों का। वरना बहुत से ऐसे हाईवे हैं जिन पर बाइक वालों को भी टैक्स देना पड़ता ही पड़ता है। गाइज भाई साहब एट लाइन है, एट लाइन मतलब मज़ा आ गया, मज़ा। एट लाइन, 1, 2, 3, 4 और 4 उधर है। अल्टीमेट रोड है, मस्त एकदम मक्खन गाड़ी चल रही है, और क्या बात है भयंकर। 110, 115, 120, 100, 100 से तो नीचे गाड़ी आ ही नहीं रही, 100, 110, 120, 125 भयंकर दमदार चल रही है, मज़ा आ गया मज़ा एकदम। तो गाइज स्वागत है आपका नोएडा दिल्ली गाजियाबाद जैसे सुपर हिट शहरों में, अल्टीमेट एक से एक बिल्डिंग, वाव क्या मतलब ज़बरदस्त व्यू है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, एकदम मक्खन वाले रोड, और रोडों पे लगी ये रोड लाइट क्या खूबसूरत लुक देती है भाई, क्या बात है। और मौसम भी अभी ठीक हो गया, धूप निकली थी बहुत तेज, लेकिन बादल लगे हुए हैं, धूप फिर चली गई। और आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत माहौल है, और बहुत मज़ा आ रहा है, वाई गॉड अल्टीमेट है यार जगह, क्या बात है। दिस इज माई न्यू हाउस इन दिस सिटी, और इस सिटी का एक खूबसूरत ये बंगलो है, एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में ही अपना एक आशियाना होने वाला है। तो इधर चलते हैं।